हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। मेरा नाम अम्बेश पांडे है और मैं अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं। मेरे बारे में बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ओके, तो आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स को हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट हमने उसमें जनरली क्या देखा था, हमने उसमें देखा था प्लैनेट्स की डेफिनेशन, प्लैनेट्स किस तरीके से अपना रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, किस तरीके से सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, तो ये सारे के सारे सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, जिसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। फिर हमने देखे थे कुछ फैक्ट्स की जो प्लैनेट्स हैं उनका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, अर्थ के रिलेशन में उनका रोटेशन का टाइम कितना है, डायमीटर कितनी है प्लैनेट्स की, कौन सबसे बड़ा प्लैनेट है, कौन सबसे छोटा है और उनका सनसे डिस्टेंस कितना है। फिर हमने डेंसिटी की बात की थी पिछले वीडियो में, तो सब किससे ज्यादा डेंसिटी, जैसे आप देख सकते हैं अर्थ की है सबसे कम डेंसिटी, सैटर्न सनि की है, ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली इन सारे प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, आज हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्लैनेट की बात करूं, मरकरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मरकरी जिसको हिंदी में बुध भी कहा जाता है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड इनर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सबसे छोटा और सबसे अंदर का, मतलब सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसकी ऑर्बिट जो है वो लगभग 87.97 अर्थ डेज लेती है, किस चीज के लिए, सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए लगभग ये 87.97 डेज लेती है, जो कि सबसे कम टाइम है, शॉर्टेस्ट टाइम ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ये सबसे कम टाइम लेती है अर्थ का एक सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सबसे छोटा प्लैनेट है, इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, साइज में आपको डायमीटर इसकी बता चुका हूं। इसकी इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो आप देख सकते हैं 2439.7 किलोमीटर्स है। ये आप देखेंगे इसकी एक खासियत ये है कि इट इज द प्लैनेट दैट हैज हाईएस्ट डायर्नल वेरिएशन इन टेम्परेचर अमंग ऑल प्लैनेट्स। डायर्नल वेरिएशन इन टेम्परेचर का मतलब है दिन और रात के बीच का जो दैनिक तापांतर है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट। कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें दिन और रात के बीच में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है, तो आपका जवाब होना चाहिए मरकरी या बुध। आप देख सकते हैं यहाँ इसका दिन का टेम्परेचर जा करके लगभग 370-375, मतलब 370 डिग्री के आसपास पहुंचता है, जबकि रात का टेम्परेचर -170 डिग्री, -170 डिग्री के आसपास पहुंचता है। तो आप देखिए कितना ज्यादा दिन और रात के बीच में तापमान का अंतर है, ये एक बहुत बड़ी खासियत है इसकी। इस आप देखिए इस प्लैनेट के बारे में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस प्लैनेट का कोई अपना एटमॉस्फियर नहीं है, प्लैनेट में कोई भी एटमॉस्फियर नहीं है, प्लैनेट का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब कोई भी जो है, जैसे हर प्लैनेट्स के अपने मून होते हैं, अर्थ का अपना मून है, बट मरकरी का कोई अपना मून नहीं है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो कोर है मरकरी का वो बना हुआ है आयरन से, और जो पेरीफरी है वो बहुत वोलाटाइल सिलिकेट से बनी हुई है, मतलब पेरीफरी जो है वो जो मटेरियल है, मतलब ऊपर जो है सरफेस पर वो बनता बिगड़ता रहता है, कोर जो है वो जो केंद्रीय भाग है वो आयरन से बना हुआ है। 2012 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, इन 2012 नासास मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट डिस्कवर्ड वाटर आइस इन द क्रेटर्स अराउंड इट्स नॉर्थ पोल वेयर रीजन्स में बी परमानेंटली शेडेड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। मतलब बताने का ये है कि 2012 में नासा ने एक मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर भेजा, जिसने वहां का जो नॉर्थ पोल वाला रीजन है, जैसे अर्थ का नॉर्थ पोल है उसी तरीके से हर प्लेनेट का नॉर्थ और साउथ पोल है, तो उसके नॉर्थ पोल के पास जो है वहां पर उसको आइस मिली है, वाटर आइस इन द क्रेटर्स, वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं जिन्हें आप बोल सकते हो, जिसके पास उसको आइस या पानी जैसी कुछ चीज मिली है जो कि फ्रोजन है, वह फ्रोजन वाटर है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू स्पेसक्राफ्ट्स हैव विजिटेड मरकरी, मरीनर 10
जो फ्लू बाई इन 1974 एंड 75, तो दो स्पेसक्राफ्ट हैं जिन्होंने मरकरी को विजिट किया है। मरीनर 10 1974 और 75 में मरकरी पे गया था। उसके बाद आपका मैसेंजर जो कि 2004 में मरकरी पर गया और इसने लगभग 4000 बार, इट ऑर्बिटेड मरकरी ओवर 4000 टाइम्स इन 4 years बिफोर एग्जॉस्टिंग इट्स फ्यूल एंड क्रैशिंग इन टू द प्लैनेट सर्फेस इन अप्रैल 13, 2015। मतलब ये 2004 में मैसेंजर गया और इसने 4000 बार चक्कर लगाया। किसका चक्कर लगाया? मरकरी का चक्कर लगाया और उसके बाद इसका फ्यूल खत्म हो गया और ये क्रैश हो गया 2015 में वहीं पर। और इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है मरकरी के बारे में भेजी। तो ये मरकरी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई थी, आप यहाँ देख सकते हैं मरकरी जो है वो सन के सबसे नजदीक का प्लेनेट है। ओके, तो अब उसके बाद मरकरी के बाद जो दूसरा प्लेनेट है जिसको डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट है वो है वीनस। वीनस के बारे में बात की जाए तो वीनस, जिसको हम लोग शुक्र भी बोलते हैं, इट इज सिमिलर टू अर्थ इन शेप एंड साइज, दियर फॉर कॉल्ड सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ, इट इज ब्राइटेस्ट प्लेनेट। ये कहा जाता है, इस प्लेनेट को सिस्टर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सो इट इज सिमिलर टू अर्थ इन शेप एंड साइज, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह ही है लगभग शेप साइज में। और ये बोला जाता है कि सबसे चमकीला प्लेनेट है। अगर आप रात में पृथ्वी से देखेंगे तो आपको सबसे चमकीला जो नजर आएगा वो आपको वीनस ही नजर आएगा, शुक्र ही नजर आएगा। वीनस इज हॉटर देन मरकरी डिस्पाइट बीइंग फार्दर अवे फ्रॉम द सन, 95% ऑफ इट एटमोसफियर इज CO2 दैट ट्रैप सोलर रेडिएशन, दियर फॉर टेम्परेचर रीचेज अराउंड 470 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.4% इज नाइट्रोजन देयर। तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट है ये यही बता रहा है कि वीनस जो है वो मरकरी सन के सबसे नजदीक है, लेकिन वीनस जो है वो सबसे ज्यादा हॉट है और ब्राइटेस्ट है। उसका रीजन क्या है कि इसका 95% अराउंड 95% ऑफ इट्स एटमॉस्फियर इज कंपोज्ड ऑफ CO2। 95% इसका जो एटमॉस्फियर है CO2 से बना हुआ है। मतलब एटमॉस्फियर में जैसे यहाँ हमारे यहाँ नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, वैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वीनस में सबसे ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करने के कारण से तापमान बहुत ही ज्यादा वहां पे बढ़ जाता है। मतलब आप ये समझिए कि वहां का तापमान 470 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, टेम्परेचर रीचेज अराउंड 470 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इमेजिन करिए 470 डिग्री जहां का तापमान होगा वहां पर क्या दशाएं हो सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके जो एटमॉस्फियर में दूसरी जो गैस है सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपकी नाइट्रोजन, जो कि कितना है, लगभग 3.4% नाइट्रोजन है, बाकी थोड़ी बड़ी मात्रा में और भी बहुत सारी गैसेस विद्यमान हैं। उसके बाद वीनस स्पिन्स क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस ईस्ट टू वेस्ट अपोजिट टू अदर प्लैनेट्स। मैं इस बात को पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं कैसे, सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ये मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट। मतलब इस तरीके से इसका मूवमेंट है, जो इसकी स्पिनिंग है वो इस तरीके से है और ये घूमता भी इसी तरीके से है, रेवोल्यूशन भी ऐसे ही करता है। ओके, तो कोर जो इसका है वो बना हुआ है निकेल और आयरन का। डेंसिटी इसकी 5.2 है, जो कि क्लोज टू अर्थ है, पृथ्वी के लगभग आसपास है, पृथ्वी की 5.5 है। ओके, ए डे ऑन वीनस इज लॉन्गर देन ए ईयर, रेवल्यूशन 225 डेज, रोटेशन 243 डेज। ये बोला जाता है कि वीनस पर जो एक दिन होता है वो एक साल से भी बड़ा होता है। आपको पता है कि दिन और रात जो होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, दिन रात जो होते हैं वो रोटेशन के कारण से होते हैं। रोटेशन में ये लेता है 243 दिन, पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं, जबकि रेवल्यूशन में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में 225 दिन लगता है। तो ईयर जो होता है वो इसके कारण से होता है, रेवोल्यूशन के कारण से। तो आप देखिए इसका जो रोटेशन टाइम है वो ज्यादा है, तो मतलब दिन जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू ए ईयर, दिन साल से ज्यादा बड़ा होता है वीनस पर, इसको याद रखिएगा। इट वॉज द फर्स्ट प्लेनेट बियॉन्ड अर्थ विजिटेड बाई ए स्पेस क्राफ्ट मरीनर 2 इन 1962 एंड द फर्स्ट टू बी सक्सेसफुली लैंडेड ऑन बाई वेनेरा 7 इन 1970। तो ये
पहला ऐसा प्लेनेट था जो पृथ्वी के बाहर सबसे पहले विजिट किया गया था, जिस प्लेनेट को मैरिनर टू सबसे पहले गया 1962 में। उसके बाद फिर जो है वो लैंड किया वेनेरा 7 ने सबसे पहले यहाँ पर 1970 में, मतलब 70 में हम लोग, 1970 में हम लोग वीनस पर पहुंच गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीनस के बारे में, इसको आप लोग याद रखिएगा।